अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया रिसीवर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये रिसीवर रेफ्रिजरेंट स्टोरेज के लिए मेंटेन करते हैं। अमोनिया ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, इसका ओडीपी जीरो है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम है। इसका कॉस्ट अगर दूसरे रेफ्रिजरेंट से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। अमोनिया रिसीवर हाई प्रेशर रिसीवर है, इसको सही मेंटेन करना चाहिए। हाई प्रेशर रिसीवर है इसीलिए प्रेशर पे ध्यान देना चाहिए, वरना इसके लीकेजेस बहुत भारी पड़ेंगे। अगर कम लीकेज है तो इस पे वाटर स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ रेस्पिरेटर कंपलसरी है। कंडेंसर से गैस रिसीवर के इनलेट से रिसीवर में जाता है और रिसीवर के आउटलेट से एक्सपेंशन के थ्रू एवोपरेटर को जाता है, जहां हीट एक्सचेंज करके फिर कंप्रेसर को चला जाता है। रिसीवर में प्रेशर गेजेस, सेफ्टी वॉल, गैस डिटेक्टर्स भी होते हैं। अमोनिया रिसीवर का वॉल्यूम या कैपेसिटी जानने के लिए पहले हम अमोनिया रिसीवर का लेंथ और डायमीटर का मेजरमेंट लेना है। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, आर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और एल इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ रिसीवर का लेंथ है 13.5 फीट, डायमीटर 3 फीट और रेडियस 1.5 फीट है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू पाई का वैल्यू है 3.142 इंटू आर का वैल्यू है रेडियस मतलब 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर है इंटू लेंथ का वैल्यू है 13.5। वॉल्यूम इक्वल टू 95.43825 क्यूबिक फीट। अब हमको यूनिट कन्वर्शन करना है। एक क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर है और एक क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.3147 फीट के बराबर है। और अमोनिया NH3 का जो डेंसिटी है 0.6826। अब हम फीट्स को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 95.43825 बाय 35.3147, ये वैल्यू मीटर क्यूब में आ गया। अभी इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इसका वॉल्यूम है 2702 लीटर्स। सो टैंक का वॉल्यूम 2702 लीटर्स, टैंक का वॉल्यूम आ गया। अब गैस कितना आएगा ये जानना है। अमोनिया की डेंसिटी है 0.6826, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1844। सो गैस कभी भी टैंक में हाफ से ज़्यादा या 3/4 से थोड़ा कम या 3/4 मेंटेन करना अच्छा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।